90 का दशक था और देश की राजनीति अपने उफान पर थी। मौसम से ज्यादा सरकारें बदल रही थी और इसी राजनीति से निकला गोरखपुर का एक शख्स श्री प्रकाश शुक्ला, जिसने 25 साल की उम्र में तकरीबन 23 मर्डर किए। क्रिमिनल्स की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको इंडिया के जिस क्रिमिनल के बारे में बताएंगे उसकी कहानी सुन आपको गुस्सा भी आएगा और तरस भी। प्रकाश शुक्ला यूपी में 90 के दशक का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। अखबार के पन्ने हर रोज उसकी सुर्खियों से रंगे होते थे। यूपी पुलिस हैरान और परेशान थी। नाम पता था लेकिन कोई तस्वीर नहीं। बिजनेसमैन से उगाही, कत्ल, किडनैपिंग, छिनतई, डकैती और पूरब से लेकर पश्चिम तक के रेलवे के ठेके पर एक छत्र राज, प्रकाश शुक्ला का मात्र एक यही पेशा था। गोरखपुर के ममखोर गांव में जन्मे प्रकाश शुक्ला को बचपन से ही पहलवानी का शौक था। पिताजी मास्टर थे, इसलिए वो भी कुछ नाम कमाना चाहता था, लेकिन 20 साल की उम्र में ही उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सरेआम एक राकेश तिवारी नाम के लफंगे को गोली मार दी थी। राकेश तिवारी का मर्डर प्रकाश शुक्ला ने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उसने उसकी बहन को देखकर सीटी बजा दी थी। इस घटना के बाद पूरे गोरखपुर में सनसनी मच गई, जिसके बाद प्रकाश गोरखपुर के एक नामी नेता की मदद से बैंकॉक भाग गया और जब वो बैंकॉक से लौटा तो मानो सब कुछ सही हो चुका था, लेकिन प्रकाश शुक्ला के मुंह में खून लग चुका था। जिसको दुश्मनी है फॉरन आके मार देगा, किडनैपिंग करेगा। उसके पास चार सदस्य थे, चारों के चारों यंग लड़के थे, चारों के पास AK-47 थी, चारों के पास 9mm पिस्टल थी और बहुत अच्छी गाड़ियों में चलते थे। बिहार के मोकामा के डॉन सूरज भान के रूप में शिव को अपना गॉड फादर मिल चुका था। उसकी मदद से शिव ने सुपारी लेकर मंत्रियों, बिजनेसमैन को मारना शुरू कर दिया। एक अंदाजे के मुताबिक अपने हाथों से काश ने करीब 23 लोगों की जाने ली। धीरे धीरे उसने अपना एम्पायर बिल्ड किया और यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और नेपाल में सारे गैर कानूनी धंधे करने लगा। ग्रुप से हम लोग का एनकाउंटर हुआ यहाँ पे हजरतगंज में, तो वहाँ हमारे सब इंस्पेक्टर पे उसने गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। तो उसके बाद कुछ ही दिनों बाद उसने जो है वो मुख्यमंत्री आवास के पास जो है वो फिर पूरी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ठेकेदार ग्रुप था, उस पर हमला करके उन लोगों की हत्या कर दी। तो इस ढंग से जो है वो लगातार सनसनीखेज हत्याओं को करने के कारण जो है वो बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक क्रिमिनल जो है वो बन चुका था उसका। 1997 में विधायक वीरेंद्र शाही की हत्या के बाद अपनी हिटलिस्ट में प्रकाश ने दूसरा नाम रखा, कल्याण सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हरिशंकर तिवारी का। हरिशंकर तिवारी चिल्लूपार विधानसभा सीट से 15 सालों से विधायक थे। क्राइम की जगत में भागते भागते प्रकाश शुक्ला ने अचानक तय किया कि उसे राजनीति में कदम रखना है और उसे चाहिए भी तो हरिशंकर तिवारी की सीट चिल्लूपार विधानसभा। श्री प्रकाश शुक्ला के रिश्ते यूपी कैबिनेट के कई मंत्रियों से थे, लेकिन शुक्ला के जुर्म से उन्हें खुद पर खतरा मंडराता दिख रहा था, तो उन्होंने सरकार पर दबाव बनवाया और एसटीएफ का गठन करवाया, जिसका एक ही मकसद था शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का। जिस गति से वो अपराध कर रहा था, उस गति से ये महसूस किया गया कि सिर्फ थाने की पुलिस बल जो है वो उसको नहीं पकड़ सकती है, और इसी कारण से एक डेडिकेटेड पुलिस ग्रुप का जो है वो गठन किया गया, जो जिसको आज एसटीएफ के नाम से ख्यात है। 1998 में एसटीएफ ने शिवप्रकाश शुक्ला का कॉल प्रेस कर उसके लोकेशन का पता लगाना चाहा, लेकिन पुलिस के लिए ये काम बिल्कुल आसान नहीं था क्योंकि उस जमाने में भी प्रकाश शुक्ला 16 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया करता था। वो कब किस नंबर से बात करता था यूपी पुलिस के लिए जानना बेहद मुश्किल हो गया था। मोबाइल यूज करने का बहुत शौकीन था, तो उसके मोबाइल को हम लोग ट्रैक करते थे और वो कई स्टेट्स में घूमता फिरता था, कभी बिहार में भी जाकर उसने मर्डर किए और नॉर्थ ईस्ट तक चला जाता था, दूर दूर तक, दार्जिलिंग, शिलोंग उस तरफ भी जाता था, बंगाल तक जाता था, तो हम लोग उसके मूवमेंट को ट्रैक करते थे। लेकिन आखिरकार यूपी पुलिस को उसके लोकेशन का पता चला और 22 सितंबर 1998 को गाजियाबाद के मोहन नगर में प्रकाश शुक्ला एक एनकाउंटर में मारा गया। शुक्ला की मौत के बाद यूपी पुलिस के हाथ जो डायरी लगी, उस डायरी में यूपी के कई बड़े नेता और मंत्रियों के नाम थे जिनके लिए
प्रकाश शुक्ला काम किया करता था। शुक्ला का ऐसा अंत न होता अगर वो बदमाशी और रंगबाजी के नशे में चूर न होता। मुमकिन था कि वो यूपी की राजनीति में कदम भी रखता और अपना नाम भी कमाता और बहुत जल्दी कानून से अपनी पटरी भी बैठा लेता। पूरे रूट के ऊपर आदमी लगाए गए जो कि उसको मालूम नहीं था। उस गाड़ी को देख रहे थे चलते हुए और वो आगे वायरलेस से बताते जा रहे थे किसकी गाड़ी यहाँ पहुंच गई, यहाँ है, यहाँ है। और फिर एक जगह पे हमने उसको घेर लिया। उसने गलती ये की कि खेत में भाग गया वो गाड़ी लेकर। वो खेत में पानी वानी लगा था क्या था, उसकी गाड़ी फंस गई और चारों तरफ से गिर गया। वो सरेंडर करने वाला तो था ही नहीं। श्री प्रकाश शुक्ला पर एक बॉलीवुड में फिल्म और एक वेब सीरीज रंगबाज भी बन चुकी है। इस वेब सीरीज और फिल्म में ये दिखाया भी गया है कि प्रकाश शुक्ला अपनी मर्जी से या अपनी चाहत से क्राइम की दुनिया में नहीं गया, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों ने उसे ऐसा करने पे मजबूर कर दिया था।